हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूं। और स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे आईआईटी जैम एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और अल्टीमेटली आईआईटी जैम और गेट एग्जाम में डिफरेंस क्या है और यहाँ पे क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है। और सुन, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो आईआईटी जैम एग्जाम देंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है एंड जो गेट एग्जाम देते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट यहाँ पे होते हैं, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, IIT-JAM और गेट एग्जाम दोनों ही IIT कंडक्ट कराता है। यहाँ पे IIT-JAM एग्जाम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, और गेट एग्जाम का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये दोनों ही IIT कंडक्ट कराता है। पिछली बार 2022 का जो एग्जाम था वो IIT रुड़की ने कराया था, और यहाँ पे 2022 जो गेट एग्जाम था वो IIT खड़गपुर ने कराया था। और मैं आपके सामने बताऊंगा यहाँ पे कि यार जो IIT-JAM एग्जाम है और गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो क्या यार वो IIT-JAM एग्जाम दे सकता है, या कोई BSc स्टूडेंट है तो यार वो गेट एग्जाम दे सकता है, और कब एग्जाम दे सकता है ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यार सबसे पहले जैम एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि बैचलर्स डिग्री विद एन एवरेज मार्क्स ऑफ 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर SC ST एंड PWD। पर सुन, जो गेट एग्जाम है यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो है सिर्फ क्राइटेरिया वो ये कि जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, चाहे वो BSc थर्ड ईयर है ना या फिर वो इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में, तो यार वो इस एग्जाम को दे सकता है, राइट। और जो थर्ड ईयर के बाद जैसे फोर्थ ईयर में तो भी दे सकता है, मतलब मिनिमम जो है वो ये कि थर्ड ईयर में होना चाहिए तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, थर्ड ईयर के बाद भी दे सकता है, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है एलिजिबिलिटी का, राइट। और यहाँ पे भी लाइक साइंस वाले स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है, राइट, कि गेट एग्जाम दे सकता है, और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो IIT-JAM एग्जाम भी दे सकता है। मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आपको लगता है कि IIT-JAM एग्जाम देके आपको IIT से MSc फिजिक्स करना है, राइट, तो यार यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि आपने 2 साल तक या 4 सेमेस्टर तक आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स के सब्जेक्ट पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, तो यार आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको IIT-JAM के ब्रोशर में भी मिल जाएंगे, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और देखो, अब बात करूंगा यहाँ पे कि जो करियर प्रोस्पेक्टिव है वो दोनों में क्या होता है। तो यार करियर अपॉर्चुनिटीज जो IIT-JAM एग्जाम है, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे, ये जो एग्जाम होता है ये लगभग 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है, और जो गेट एग्जाम होता है यहाँ पे 29 सब्जेक्ट में ही होता है, राइट, है ना। और खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गेट एग्जाम ज्यादातर देते हैं, IIT-JAM नहीं देते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली IIT-JAM एग्जाम देते हैं, गेट एग्जाम देते हैं बट थोड़े कम देते हैं, राइट, है ना। इस पे ज्यादा होता है क्योंकि अगर बाई चांस BSc थर्ड ईयर में है तो IIT-JAM पे ज्यादा फोकस करता है स्टूडेंट, राइट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो IIT-JAM है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो यार यहाँ पे अगर IIT-JAM एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप किसी भी IIT से MSc कर सकते हैं या MSc प्लस PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए मैथ्स का बंदा है तो यार मैथ्स वाला जो होता है वो यहाँ पे मैथ्स में MSc कर सकता है, या फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में कर सकता है, और भी ऐसी लाइक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होती है जहाँ पर वो अपना MSc कर सकता है या रिसर्च कर सकता है, राइट। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है। गेट एग्जाम जो होता है यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट IIT से MTech करना चाहता है या इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम करना चाहता है या एब्रोड से अपना MS करना चाहता है, स्टूडेंट PSUs में जाना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, यहाँ पे फेलोशिप भी मिलती है, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वहाँ पे भी इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने गेट एग्जाम दे रखा और आपका वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे IIMs है वो भी एक कोर्स चलाता है जहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है, और इसमें मैंने बहुत अच्छा YouTube वीडियो भी डाल रखा है पर गेट एग्जाम में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और IIT-JAM एग्जाम में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप देखना चाहें तो यार यहाँ पे IIT पे जाके मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इन दोनों एग्जाम के करियर अपॉर्चुनिटीज को, राइट। पर मैं आपको खास करके जो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि यार बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं ना, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में किसी ने इंजीनियरिंग करा, राइट, अब वो चाहता है कि यार सर मुझे MSc मैथ्स करना है या फिर मुझे MSc फिजिक्स करना है या फिर मुझे MSc इकोनॉमिक्स करना है, राइट। इकोनॉमिक्स भी IIT-JAM एग्जाम कंडक्ट कराता है इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। तो यार ये बहुत अच्छा आपके लिए करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है IIT-JAM एग्जाम देने के बाद, है ना। पर स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं होती। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो जानता है कि यार मैं खाली गेट एग्जाम दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। गेट एग्जाम में एज कम्पेयर टू IIT-JAM एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या लाइक कितने स्टूडेंट यहाँ पे देते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे 29 सब्जेक्ट होते हैं। पर जो IIT-JAM एग्जाम देते हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो फिजिक्स में MSc करना चाहता है, राइट, और वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या फिर वो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में अपना MSc करना चाहता है, तो यहाँ पे लेस कंपटीशन होता है एज कम्पेयर टू गेट एग्जाम, है ना। गेट एग्जाम में जहाँ पर 1.5 से 2 लाख एक ब्रांच में एग्जाम देते हैं, वहाँ पे सिर्फ IIT-JAM में 10 से 12 हज़ार, इस बार 12 हज़ार स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में
एग्जाम दिया था और फिजिक्स में भी अराउंड 10,000 के आसपास स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है और सीट ज्यादा होती है ना, अराउंड 1200 के आसपास सीट्स होती है और भी ज्यादा होती है यहाँ पे, राइट। अगर आपने यहाँ पे IIT-JAM एग्जाम दिया तो एस्पिरेंट कम होते हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। तो यार ये एग्जाम भी मैं कहना चाहता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहिए, बहुत लेस यहाँ पे अवेयरनेस है इस एग्जाम के बारे में, पर ये एग्जाम में जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। आप साइंस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं और साइंस फील्ड में मतलब आप एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्रिएट हो रही है। अगर आप टीचिंग फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं तो आप IIT से MSc करने के बाद आप जा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा है इस गेट एग्जाम, तो वैसे भी करियर यहाँ पे, यहाँ भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। मैंने बताया था PSUs में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, IIT से MTech कर सकते हो, PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है इस करियर अपॉर्चुनिटीज वाला, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। इस IIT-JAM पे मैंने एक वीडियो बना रखा है तो ये भी आप देख सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस IIT पे भी जाके आप देख सकते हैं।